हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर रेसिपी विद पीवी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ केले के इंस्टेंट चिप्स की रेसिपी। इसे बनाने में मैक्सिमम 10 मिनट लगता है और ना केले को उबालना है ना सुखाना है, और खाने में ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची होती है। तो चलिए इंस्टेंट केले के चिप्स की रेसिपी शुरू करते हैं। केले के इंस्टेंट चिप्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 केला लिया है। इसे बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है, अब हम इसे कट कर लेंगे। तो इसके ऊपर और नीचे पोर्शन को अच्छे से कट करके निकाल लेंगे और इसे बहुत ही अच्छे से पील अप कर लेंगे। केले के छिलके अच्छे से निकाल लें ताकि इसका जो ग्रीन पार्ट है एक भी केले में ना रह जाए। इसी प्रकार से इसे अच्छे से निकाल लें। तो यहाँ पे मैंने केले के छिलके अच्छे से निकाल लिए हैं, अब हम इसे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नाइफ की हेल्प से कट कर रही हूँ, आप चाहें तो चिप्स कटर से भी कट कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने बहुत ही पतला कट किया है। इसे जितना पतला कट करेंगे चिप्स उतने ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें, केले को बहुत ही पतला कट करें। तो यहाँ पे मैंने जितने भी केले थे उसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, इसके छोटे छोटे स्लाइस बना लिए हैं और इसे मैंने बहुत ही पतला कट किया है। अब हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो मैं इसमें 2 कप पानी ऐड करके अच्छे से बिल्कुल वॉश कर लूँगी। तो इसे हाथ की हेल्प से हल्का सा रफ करते हुए धो लेंगे। अब इसका पानी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका पानी निकाल लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब इसे सुखाना है, तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट में बिल्कुल साफ कपड़ा रखा है और उसके अंदर हम एक एक करके अच्छे से फैलाते हुए सारे स्लाइस डाल देंगे ताकि कपड़ा जो है पानी अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। अच्छे से बिल्कुल फैलाते हुए डालेंगे। अब हम इसे 5 मिनट के लिए इसी प्रकार से छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद आप देखिए, मैंने कपड़ा हटा दिया है, ये बहुत ही अच्छे से बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, सूख गए हैं, ये देखिए। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। अब एक कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और इसे अच्छे से गर्म करेंगे। अब चेक कर लेते हैं कि ऑयल अच्छे से गर्म है या नहीं। तो अभी ऑयल जो है अच्छे से गर्म नहीं हुआ है, तो हम थोड़ा देर और वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ऑयल बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया है, तो हम इसमें सारे स्लाइसेस डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे स्लाइसेस डाल दिए हैं। अब हम इसे अच्छे से चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखें। इसे फ्राई करने में आपको मैक्सिमम 5 से 6 मिनट लग जाएगा। इसे अच्छे से चलाते हुए फ्राई करें। तो यहाँ पे इसका कलर जो है हल्का चेंज हो गया है, तो हम इसे और थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसे तेल से निकाल लेंगे। मैंने इसे निकाल लिया है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी, देखने में ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची लग रहा है और अच्छे से गोल्डन ब्राउन भी हो गया है। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी और कितना क्रंची बना है। ये आप देख सकते हैं, तोड़ने से ही समझ में आ रहा है कि ये कितना क्रिस्पी है। ये देखिए,
अब हम इसे थोड़ा चटपटा बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 पिंच इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे और 1/2 चम्मच हम इसमें काला नमक ऐड करेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे इसका जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसे अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लें। तो यहाँ पे मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये आप देखिए। अब ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी, क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार लगने वाला है। देखिए बहुत ही कुरकुरी है ये। तो देखा आपने ये कितनी इजी रेसिपी है, इसे बनाना बहुत ही आसान है, मैक्सिमम 10 मिनट में बनके रेडी हो जाता है और खाने में बहुत ही क्रिस्पी होता है। आप इसे एक बार बनाएंगे ना तो आपके घर के बच्चे, बुजुर्ग सभी को ये बहुत पसंद आएगा। रियली गाइस ये बहुत ही टेस्टी है, ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप ऐसी इजी रेसिपीज और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब बटन के साइड में जो बेल बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अब मैं आपसे मिलूंगी मेरी अगली रेसिपीज के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।